कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और तीसरी की तैयारी कुछ इस तरह से की जा रही है कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, तो वार्ड मेंबर्स ने भी कहना शुरू कर दिया मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी। यदि इसी तरह से हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास पहले से रहा होता तो संभवतः हिंदुस्तान में कोरोना कभी भी पांव नहीं पसार पाता। चलिए हम बात करते हैं कि कोरोना के इस दूसरे संक्रमण की दौर के अंतर्गत किस तरह से लोग अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से दुआओं में शुमार हो रहा है, हर एक व्यक्ति किस तरह से काम करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दौर में हमारे साथ आज शामिल है भाजपा के लोकप्रिय कार्यकर्ता अकेश जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना की पहली लहर में भी आपके माध्यम से बहुत कार्य किए गए थे, चाहे वो गाँव में जाकर राशन किट वितरित करने का काम हो, मास्क और सैनिटाइजर्स का तो मैं कोई गणित नहीं लगाना चाहता कि आपने किस लेवल पे और किस तरह से लोगों को वो चीजें पहुंचाई हैं। उस समय एनजीओ के माध्यम से खाद्य सामग्री के साथ साथ खाने के पैकेट भी वितरित किए जाते थे। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आपके द्वारा पहले संक्रमण के दौर में किए गए। पहली लाइन जो लहर थी उसमें और अभी जो दूसरी लहर खड़ी हुई है, इसमें आपको मूल रूप से क्या फर्क नजर आता है? पहली लहर से दूसरी लहर किस तरह से डिफरेंट है? कोरोना की जब पहली लहर आई थी उस वक्त मैं कहूंगा कि कोरोना बीमारी से सब लोग अनजान थे और पूरे विश्व के अंदर जो स्थितियां बनी हुई थी और इस देश के अंदर उस कोरोना से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत यहां पे लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में एकदम अचानक लॉकडाउन लगा जिसके कारण से कोरोना पूरे देश में तेजी से ना फैल सके और चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुधार करके और इतने इंतजाम कर लिए जाएं कि वह कितना भी विकराल हो जाए हमारे पास संसाधन जुट जाएं, और ऐसे तुरंत लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन की वजह से अनेक लोगों का पलायन शुरू हुआ, मजदूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने लगे और जो रोजाना कमाकर रोजाना अपने भोजन की व्यवस्था करते थे उन सब लोगों को भी भोजन के लिए भी एक दूसरे की तरफ देखना पड़ा। तो पहली लहर के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को जरूरत थी अनाज की, भोजन की और खाद्य सामग्री की और एक जगह से दूसरी जगह जाने के संसाधनों की। लेकिन उस वक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था मुझे इलाज की जरूरत है, क्योंकि जितने संसाधन उपलब्ध थे उन सब की व्यवस्थाओं से लोगों का इलाज चल रहा था। लेकिन हम सब लोगों ने हमारी गलतियों से समझ लिया कि अब कोरोना देश से चला गया है और यह लगभग पूरे एक वर्ष के अंतराल के बाद पुनः कोरोना एकदम तेजी से आया। और यह दूसरी लहर जो इसके अंदर लोगों के जितने फोन आए वो आए लोगों के दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, अस्पताल में जगह के लिए, यानी अस्पताल में जगह कम पड़ गई, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु कम पड़ गई और दवाइयां कम पड़ गई, दवाइयां मार्केट में नहीं मिली, इसका ब्लैक मार्केटिंग भी लोगों ने किया। वैसे इस बुलेटिन के माध्यम से सबसे पहले ऐसे बुरे वक्त के अंदर भी जिन लोगों ने प्राणवायु और दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग की मैं उनका आपके माध्यम से बिल्कुल भर्त्सना करता हूं। ऐसे समय के अंदर तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, फिर भी बहुत से लोग अच्छे समाज के लोग थे, राजनीतिक लोग थे, जो ऐसे बुरे वक्त के अंदर एक दूसरे के साथी बने। तो मैं कहूंगा कि पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर बहुत ही अंतर था। दूसरी लहर के अंदर लोगों को चिकित्सा सुविधा, प्राणवायु और दवाइयों की नितांत जरूरत पड़ी और इस दूसरी लहर के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर इस पे भी अब लॉकडाउन लगने के बाद बहुत शिथिलता आई है, धीरे धीरे कोरोना के मरीज कम हुए हैं। इसमें लॉकडाउन के कारण लोगों का आपस में मिलना जुलना संभव नहीं हो रहा है, इसी के कारण से कोरोना का फैलना रुका है। हमें ये समझना होगा कि कोरोना को रोकने का मूल मंत्र कड़ाई के साथ देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सबको मास्क लगाना बहुत जरूरी है और इसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। जिन लोगों ने मास्क का ठीक से उपयोग किया उनको कोरोना अभी भी छू नहीं पाया है, जिन्होंने हाथ धोए और थोड़ा सा दो गज की दूरी बनाकर रखी तो कोरोना भी उनसे अपनी दूरी बनाकर रखता है। हम सब लोगों को कड़ाई से नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। तुलना कर दी कि पहली लहर और दूसरी लहर में फर्क क्या था। पहली लहर के अंतर्गत लोगों के लिए खाद्य सामग्री और आजीविका का संकट था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का संकट था, तो दूसरी लहर के अंतर्गत जो भी कोरोना ने आकर के एक तरह से तांडव मचाया या उसका जो कोहराम मचा उसने एक तरह से किसी भी सरकार के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की इस कदर उसने पोल खोल के रख दी कि नहीं था तो बेड में वार्ड में जगह नहीं थी, बेड था तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन थी तो उसको मैनेज करने वाला स्टाफ नहीं था। यानी कि वो सारी चीजें जो एक साल के अंतराल के अंतर्गत पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी उसकी तरफ सरकारों का ध्यान गया ही नहीं। क्योंकि मुकेश गोयल हमारे साथ एक राजनीतिक हस्ताक्षर के रूप में भी मौजूद हैं,
एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक बार सडन पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना कितनी बड़ी बात थी, यदि उस समय वो डिसीजन नहीं लिया गया होता तो शायद दूसरी लहर से पहले ही भारत देश को एक बहुत बड़े परिणाम का सामना करना पड़ता। मैं यहाँ ये बात भी कहूंगा कि पहले दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब कोरोना के लिए लॉकडाउन जैसी चीजों को व्यवस्थित किया गया था, ताली और थाली बजाकर देश के कोरोना वॉरियर्स का जो हौसला अफजाई की जा रही थी, वहां तथा कथित कुछ प्रांतों के जो चीफ मिनिस्टर थे या राजनीतिक लोग थे उसका विरोध कर रहे थे, और आज उसी लॉकडाउन को अपनाकर उन्होंने अपने अपने प्रदेश के अंतर्गत जमकर वाहवाहियां लूटी हैं। आपको क्या लगता है मुकेश जी, केवल लॉकडाउन ही इसका एक समाधान है या कोई और भी समाधान हो सकता है? शायद हम अब तक अच्छे से समझ पाए होंगे कि लॉकडाउन बार बार क्यों लगाना पड़ा, हम लोगों की दूरी बनाने के लिए, और जो सरकार बार बार कह रही है कि इसके लिए दवाई कोई नहीं है, केवल हमारी कड़ाई विशेष रूप से मास्क लगाने की, हाथ धोने की, दूरी बनाए रखने की, ये नितांत आवश्यक है। इसी के लिए लॉकडाउन लगाकर हम सब लोगों को इन तीन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो भारत के लोग सतर्क कर नहीं रहे। और तीसरा विषय मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली लहर के अंदर तमाम वो चीज़ों को काम में लिया और कोरोना की पहली लहर से देश को बचाया। तब तमाम विरोधी विपक्ष के लोगों ने उंगलियां उठाई, थाली बजवाकर, दिए जलाकर क्या कोरोना भाग जाएगा? बिल्कुल, थाली बजाने और दिए जलाने से ही कोरोना भागा है, क्योंकि कोरोना भगाने के लिए एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आज इस दूसरी लहर में लोग अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, जबकि पहली लहर के अंदर सब लोगों ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। और आज भी मैं कहूँगा, जिस मरीज के परिजनों ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और जिस मरीज ने भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, वह मरीज काल के ग्रास में नहीं गया, वह ठीक होकर के वापस लौटा है। यदि आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया तो शायद वह मरीज भी हमारे हाथ से चला गया। यह आत्मविश्वास हम सबका, परिजनों का, मरीज का, डॉक्टर का, स्टाफ का, कोरोना योद्धाओं का, सभी का बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय हमसे ताली ही बजवाई, हमसे दिए जलवाए, पूरा देश एकजुटता के साथ कोरोना का मुकाबला करे और हम कोरोना से जीते। लेकिन अब दूसरे इस दौर के अंदर मैं देख रहा था कि प्रदेश की सब सरकारों ने अलग अलग समय पर लॉकडाउन लगाया, कुछ एक रूपता नहीं रही, लेकिन लोगों में आत्मविश्वास की भी कमी आ गई। जब लोगों को लगा कि ऑक्सीजन नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने घर में दो दो सिलेंडर रख लिए, मार्केट से चीजें गायब होने लगी, तो लोगों का आत्मविश्वास डगमगा गया, लोग हताश हो गए कि अब मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मुझे दवा नहीं मिलेगी, और लोग इसी हताशा के अंदर डिप्रेशन में चले गए, और कोरोना से नहीं, वह इस प्रकार के आत्मविश्वास की कमी के कारण या डिप्रेशन के कारण लोग हमसे छूट करके चले गए। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस संकट की घड़ी में भी चाहे वो चिकित्सक रहे या कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी रहे जिन्होंने कोरोना काल के अंतर्गत न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि दवाओं तक पे भी कालाबाजारी करने से वो लोग बाज नहीं आए। इसी संदर्भ में यदि मैं बात करूं, यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो अभी भी प्रदेश स्तर के ऊपर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। एक सरकार दूसरे पे आरोप लगा रही है। आप चूंकि कोटपुली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, यदि मैं स्थानीय विलियम हॉस्पिटल की बात करूं, तो यहां काफी समय से वेंटिलेटर का मामला काफी गर्माया रहा, और जो केंद्र सरकार से मदद मिल सकती थी, चाहे वो वेंटिलेटर की मिली, चाहे वो अन्य संसाधनों को लेकर मिली, या तो वो संसाधन उपयोग में नहीं लाए गए, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें तो डब्बों से बाहर तक नहीं आई, जिसके ऊपर जमकर मीडियाबाजी भी हुई, लोगों ने अलग अलग काम किए, और उस संसाधन के अभाव में लोगों को जान गंवानी पड़ी। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता और सुविधाओं को यदि समय पर प्रदेश के सरकार ने काम में लिया होता तो शायद बहुत सारे संसाधनों की कमी सामने नहीं आती, इसको आप किस नजरिए से लेंगे? वैसे तो ये कोरोना का जो बुरा वक्त है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और विशेष रूप से प्रदेश की सरकार भी जो कर रही है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि देर सवेरे उन्होंने शुरुआत की। लेकिन सबसे बड़ी बात, तमाम व्यवस्थाएं केंद्र सरकार ने की। देश की सरकार ने राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर दिए, 1500 वेंटिलेटर कभी खोले ही नहीं, एक एक वर्ष तक आप उन्हें खोलेंगे नहीं, और एक वर्ष के बाद जब कोरोना सामने आकर खड़ा हो गया, जब उन वेंटिलेटर की हमें जरूरत थी, तब आपने कह दिया ये वेंटिलेटर खराब है। जब एक तरफ आपने कह दिया वेंटिलेटर खराब है, दूसरी तरफ किसी अस्पताल से किराए पे चलाए जा रहे हैं, जो किराए पे चल सकते हैं तब वो खराब नहीं होते हैं, किसी जगह अगर अस्पताल के स्टाफ को जरूरत पड़ती है तब वो वेंटिलेटर ठीक हो जाता है,
जब किसी डॉक्टर के पिता को जरूरत पड़ती है तब वह वेंटिलेटर ठीक क्यों हो जाता है, लेकिन वह केंद्र सरकार ने दिए और आपने एक वर्ष तक उन संसाधनों को काम में नहीं लिया, तमाम चीजें मुहैया केंद्र की सरकार ने करवाई। आज ऑक्सीजन दे तो केंद्र सरकार दे, दवाई दे तो केंद्र सरकार दे, रेमडेसिविर दे तो केंद्र सरकार दे, दूसरे इंजेक्शन दे तो केंद्र सरकार दे, हम क्या करेंगे? प्रदेश की सरकार को चिंता करने की जरूरत है। आपने क्या इतने स्टाफ की भर्ती की क्या एक साल के अंदर जो इन 1900 वेंटिलेटर को मैनेज कर सके? आपने क्या आईसीयू बनाए क्या जो आप उनको ठीक से कर सको? अपना जितने सामान आया था आपने ऑक्सीजन को स्टोरेज करने के कितने टैंकरों की व्यवस्था की? देखने की चिंता का विषय यही है कि प्रदेश की सरकार ने पूरे एक वर्ष कर आंख मूंद लिया कि हमारे पास जो संसाधन केंद्र से मिला हुआ है इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यह कोरोना यहां से चला गया है। लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई तब इन्होंने तुरंत ही कहना शुरू कर दिया कि यह संसाधन खराब है। आज ये संसाधन सब इनको ठीक मिलेंगे, धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं पुणे केंद्र सरकार ने संभाली तब स्थिति वापस सबको सामान्य रूप से नजर आने लगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि इन संसाधनों को आपने एक वर्ष पहले खोल लिया होता और इनका इंस्टॉलेशन कर लिया होता और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग समय पे करा दी होती, आज बीडीएम अस्पताल के अंदर हमारे पास 4 एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं। क्या एक वर्ष के अंदर आपने इनको वेंटिलेटर को कैसे काम में लेना है इसकी ट्रेनिंग करवाई क्या आपने? SMS भेज के करवा सकते थे, लेकिन चिंता ही नहीं की। ये वेंटिलेटर बंद पड़े थे और आप जब बंद पड़े थे उनमें से 5 अभी इन्होंने जयपुर भेजे हैं और बाकी का इंस्टॉलेशन अभी हो भी गया तो भी हमारा वहां पर उनको संभालने वाला स्टाफ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कैसे हम उसको ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएंगे, कौन सा स्टाफ उन्हें संभालेगा, इसके ऊपर कोई दृष्टिकोण नहीं है। मैंने तो PMO साहब से मिलकर यह भी कहा था यदि स्टाफ की व्यवस्था आप बाहर से भी करते हैं कर लीजिए, जन सहयोग से उसके भुगतान की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा एक महीना निकल गया, किसी ने कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाई। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किया गया सवाल और उसको आपने जिस आंकड़े वाइज और जिस विभागी के साथ रखा है, निसंदेह आवाम को ये जानने का हक है कि आखिर केंद्र और प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारियां किस लेवल पे जाकर के आम जन से जुड़ती हैं। बीडीएम हॉस्पिटल इस बात का उदाहरण है। पहली बात तो वेंटिलेटर आज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी नहीं है और कोटपुतली जिला स्तरीय हॉस्पिटल के अंतर्गत यदि एक साथ 17 वेंटिलेटर आते हैं, 3 इनके पास मौजूद होते हैं तो 20 वेंटिलेटर वाला ये कोटपूतली का BDM हॉस्पिटल अपना ICU संचालित नहीं कर पाता है। करोड़ों की राशि की घोषणाएं करने वाला ये प्रदेश का कोटपूतली का जो BDM हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अंतर्गत जब कोविड को 4.5 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है उस समय भी BDM की मूल लैब का एक्सटेंशन करके उसे कोविड लैब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। भला जनप्रतिनिधि इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े कर पाते हैं? आम व्यक्ति उस तय में क्यों नहीं जा पाता है? आखिर रोजाना केवल अखबारों की सुर्खियां बनकर केवल लोगों को गुमराह किए जाने का दौर जब तक मीडिया और सोशल मीडिया पे जारी रहेगा तब तक संभवतः कोरोना तो क्या किसी भी महामारी से लड़ने के लिए एकजुटता की कमी हमारे सामने आती रहेगी। आज यदि हमारे बेड खाली हैं, हॉस्पिटल के वार्ड खाली हैं, तो उसको स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि सत्ता पक्षी जनप्रतिनिधि अपने एक नवाचार के जरिए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और जैसा कि मैंने कहा वार्ड मेंबर भी जनप्रतिनिधि के साथ मोटरसाइकिलों पे कुछ इस तरह से सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो पुष्प वर्षा करते देखे जा सकते हैं। क्या ये पुष्प वर्षा का दौर है या फिर वाकई में कुछ ऐसा कार्य किया गया है स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के माध्यम से कि 8 वार्ड खाली पड़े हैं? आपके इस एपिसोड इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो तमाम कोरोना ने जिन लोगों की जिंदगी ले ली मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ, तथा आपसे कहना चाहूँगा कि वैसे जितने भी इस कोरोना की लड़ाई में जितने कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, डॉक्टर स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, सब ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से आज जो स्थितियाँ सुधरी हैं उसमें इस पूरे वर्ग का अपना अपना योगदान है। दुर्भाग्य रहता है तो हम जैसे राजनीतिक लोगों का है वो हर जगह इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। इस कोटपुतली BDM का एक दुर्भाग्य आप देख लीजिए कि मात्र 2.5 साल के शासन के अंदर, कांग्रेस के शासन के अंदर कितनी बार PMO बदले गए? क्या एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व कोटपुतली को मिला और मजबूत होने के बावजूद, सरकार में मंत्री होने के बावजूद 15-15 दिन में PMO बदल रहा है, इस व्यवस्था को क्यों ठीक नहीं कर पाई और तमाम अव्यवस्थाओं के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सबके सामने सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते कि इन सब अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार मैं हूं? और वास्तव में राजनीतिक व्यक्ति ही, राजनीतिक सरकार ही, जो उस समय सरकार होती है, सरकार के लोग होते हैं वही अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो प्रत्येक उन निर्देशों का पालन करता है जो सरकार से उनको मिलते हैं। तो
तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार और सरकार के मंत्री इस मामले में बिल्कुल फेल रहे हैं, वो इस व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पाए। जैसा कि आपने राजनीतिक परिवेश में जवाब दिया है और इस बात को मैं पब्लिक से फिर शेयर कर दे, संसाधन होने के बावजूद भी आम व्यक्ति परेशान क्यों है? यानी राजस्थान में पहला कोटपूतली का ये जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल है, जहां एक नहीं दो दो पीएमओ होते हैं, 15-15 दिन क्या, कई बार तो 7-7 दिन में बदल जाते हैं। पीएमओ का मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। एमआरएस की जो मीटिंग होती है उसके मेंबर स्थानीय विधायक राज्य मंत्री होते हैं, बावजूद उसके वो स्टाफ को इस बात का आश्वासन नहीं दे पाते कि आज जिस पीएमओ ने कोरोना के इस साल के अंतर्गत तमाम टेक्नीशियन स्टाफ जो है या जो वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ स्टाफ है वो उन लोगों को समझ पाता है, उन लोगों को मिनट्स में कन्वर्ट करता है, तब तक पीएमओ बदल जाता है। यहाँ तक कि यही पता नहीं होता कर्मचारी को कि कल उसे किसके निर्देशों की पालना करनी होगी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक फेल्योर है, डिपार्टमेंट का फेल्योर है, और मेडिकल के इस फेल्योर का सामना करने की स्थिति में जब यहाँ की आवाम होती है तो उसे भी बहुत बड़े नुकसान से होकर गुजरना होता है। अभी इस कोरोना के दूसरे संक्रमण के दौर में किस तरह से आपने आम जन को सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं मेरे लिए कहूंगा, मैं स्वयं भी अस्पताल में मौजूद रहा, सुबह से लेकर रात तक जितने मरीज आते थे उनकी हम क्या मदद कर सकते थे? किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को जांच की जरूरत है, किसी को भर्ती करवाने की जरूरत है, और उनको भर्ती करवाने में भी हमने कोई संकोच नहीं किया कि ये कोविड का मरीज है, इसको हाथ नहीं लगाना है। यदि हमने बढ़कर के साथ दिया तो उसके परिजनों में भी एक आत्मविश्वास आया कि जब दूसरे सामाजिक संगठन के लोग मिलकर हमारी मदद कर रहे हैं तो मैं मेरे मरीज से दूरी क्यों बनाऊं, उनके आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया है। और मैं फिर कहूंगा कि कोरोना से यदि हमें लड़ाई लड़नी है तो हम सबके आत्मविश्वास को मजबूत करना है, उस आत्मविश्वास को दिन रात लग करके मजबूत करने का प्रयास किया, लोगों की दवाई के माध्यम से, इलाज के माध्यम से मदद की, और अनेक सामाजिक संगठनों से संसाधन उपलब्ध कराने का निरंतर आग्रह किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर विनय गोयल का, मैंने उनसे आग्रह किया जब मुझे पता लगा कि सिंगापुर से उनकी जो एग्रो इंडिया कंपनी है, जो उसमें उनके छोटे भाई पार्टनर हैं, कि वो उनके 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, तो उसमें से हमें कोटपूतली जो उनका पैतृक गांव है उसे भी कुछ मिले, तो तुरंत सबसे पहले 5 ऑक्सीजन के ये कंसंट्रेटर आए और लोगों को मदद मिलनी शुरू हुई। भारत विकास परिषद जो संघ की एक संस्था भी है, उस संस्था ने प्रयास किया कि हम कहीं से भी लेकर आए ऑक्सीजन के सिलेंडर ला कर के दें मीडियम में, लेकिन वह भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। एसडीएम साहब ने सुबह हाँ की कि हम आपको अनुमति दे देंगे, आपका साधन जाकर के ऑक्सीजन लेकर आ सके, लेकिन शाम को उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती। उन्हें भी एक राजनीतिक इशारा मिल गया, क्योंकि भारत विकास परिषद का नाम होगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, संघ के लोगों का नाम होगा कि सेवा के काम भी संभाल लेंगे तो सत्ता पक्ष की बुराई होगी। वहां पर भी सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने अच्छी नीति का पालन नहीं किया, सामाजिक रूप से नहीं सोचा कि यहाँ लोगों की मदद कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सब लोग मदद में थे, वह प्रशासन, डॉक्टर, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सब लोग मदद में थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने केवल राजनीति देखी और राजनीति के हिसाब से ही उन्होंने काम किया। मैं आपके माध्यम से इसे सबके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। हमने उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष यानी लगातार 7वां वर्ष यह पूरा हुआ है आज के दिन। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक जगह सेवा कार्य किए हैं, पिछले 1 महीने से कर ही रहे हैं। आज विशेष रूप से रक्तदान शिविर पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल ने 15-15 लोगों का रक्तदान आज करवाया है, पूरे जिले के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश में रक्तदान का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। अनेक जगह काढ़ा वितरण का कार्यक्रम हुआ है, कोटपूतली में भी सब्जी मंडी, अस्पताल, मेन चौराया आदि जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काढ़े का वितरण किया है। और अभी हमने प्रत्येक पंचायत के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन और उसका एक किट बनाकर कार्यकर्ताओं को दिया है, घर घर जाकर जांच करेंगे, क्योंकि जांच करवाने से लोग कतरा रहे हैं। मायने में जन प्रतिनिधियों को देखना हो तो सबको जब कोई काम पड़े तो रात को 10 बजे बाद सबको, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये वह दावा करता है कि मैं समाज सेवा करता हूं, तो आधी रात के वक्त में फोन उठाकर आपके साथ खड़ा होता है कि नहीं होता है, ये वक्त है, ऐसे समय पर उसे फोन करके देखना चाहिए कि उसका फोन बंद मिलता है या हमारे साथ आता है या नहीं आता है। जनता यदि चाहेगी तो जन प्रतिनिधि भी ठीक हो जाएंगे, जनता यदि चाहेगी तो सब काम करने वाले लोग ठीक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर पिछले 1.5 माह से लगातार सेवा के काम कर रहा है, और आज भी काम हुए और आगे भी लगातार सेवा का काम, सेवा के अवसर हम ढूंढते हैं,
कि क्या अवसर मिले, कि कहां हम सेवा कर सकते हैं। और आज बीडीएम अस्पताल की बात करेंगे तो बहुत सी कमियां निकलेंगी, उनको भी हम सब लोग मिलकर के ठीक करेंगे और हम उस काम के लिए आधी रात को भी तैयार हैं। आपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को भी चिन्हित किया, तो राजनेता होने के साथ साथ उन्होंने अपने ऊपर भी प्रहार करने का दौर छोड़ा नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत भी आपने सभी जनप्रतिनिधियों को लाकर खड़ा कर दिया। यानी बुरा वक्त जब आता है तो व्यक्ति की पहचान होती है। सामाजिक कार्यकर्ता कहलाने मात्र से वो कार्यकर्ता नहीं बन जाता, सामाजिक सेवा का एक जज्बा व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। उसके अंतर्गत यदि वो चीजें नहीं होंगी तो संभवतः पब्लिक को भी समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि कौन अखबार की सुर्खियां बटोर रहा है, तो कौन रातों को जाकर कार्यकर्ता और उसके परिवार को अटेंड करके उन्हें घर पहुंचाने का साधन बन रहा है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। जो पब्लिक इस समय इंदुरिया टाइम से मुखातिब है वो निसंदेह इस बात को समझ पाएगी कि जनप्रतिनिधि के लिए केवल बड़ी घोषणाएं करना, बड़े लच्छेदार भाषण देना या उसे बड़ी प्रोफाइल के अंतर्गत लाके खड़ा कर देना। और मैं फिर आज एक बात कहूंगा, हमारे कुछ पत्रकार साथी भी कुछ इस तरह की राजनीति के शिकार हो चले हैं कि न्यूज होती कुछ और है और दिखती कुछ और है। यानी कि जो चीज अभी हमारे सामने आई नहीं है, किसी चीज की अभिशंसा की जा रही है, उसकी घोषणा की जा रही है, उसे उस जगह पे स्थापित किए जाने की न्यूज पहले ही बनाकर जब भेज दी जाती है तो जब वो वापस से स्थापित होगी उस समय आदमी क्या कहेगा। तो हमें भी अपने अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, हम किस हद तक समाज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर पाएंगे, ये एक मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आवाम से आप मुखातिब हुए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।